आईफोन ले लिया तेरे भाई ने यार, 1,20,000 रुपीज। क्या मजाक है क्या, पैसा ही बहुत है। हेलो एवरीवन, मैं हर्षित महेश्वरी स्वागत करता हूं आपका टेक बेस में, और आज हम बात करेंगे आईफोन 13 प्रो को यूजुअल ब्लैक कलर में मिलता है, जो कि एप्पल की प्रो सीरीज में आता है। नॉन प्रो में व्हाइट बॉक्स मिलेगा आपको, और एप्पल ने थोड़े से टचेस ऐड करे हैं। जैसे आप देख सकते हैं आईफोन के टेक्स्ट पे और आईफोन के लोगो पे जो आईफोन का कलर है वो सेम कलर का है, और ये हमने हीरो कलर मंगाया है सियरा ब्लू, आप देख सकते हैं, लुकिंग गुड। देखते हैं अंदर इसके क्या मिलता है। पीछे इसकी प्राइसिंग लिखी है, ये 6 128 GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस लिखी है 1,20,000 रुपीज। सो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग, और देखते हैं एप्पल ने इस बार अपने 13 प्रो आईफोन में क्या क्या फीचर्स डाले हैं। एंड मैजिक टाइम, माय गॉड, दिस कलर इज सुपर्ब। आई मस्ट टेल यू, दिस इज द हीरो कलर व्हिच दे आर प्रमोटिंग। लेट मी पुट दिस ऑन द साइड, और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है। एज यूजुअल एप्पल स्टिकर्स, वी गॉट स्टिकर्स एंड सम पेपर मैनुअल्स, इसको भी साइड में रखते हैं। एंड वन केबल लाइटनिंग टू USB-C, और आप जानते हैं कि इतना पतला बॉक्स क्यों है, क्योंकि इसमें चार्जर की कमी है, जो कि हम सभी को मैसेज होती है, आई नो। इसको रखते हैं वापस और देखते हैं हमारे फ़ोन को। द मोमेंट यू आर वेटिंग फॉर सेटिस्फाइंग। आइए बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू में। फोन में अब तक प्रोवाइड करता आया है सेम स्टेनलेस स्टील शार्प एजेस, एंड द ग्लास इज वेरी गुड बट मैट। नोटिसेबल चेंजेस आपको दिख रहे होंगे द कलर एंड द कैमरा। कैमरा लेआउट थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, यहाँ पे 3 कैमराज हैं, अभी भी 4 नहीं करे उन्होंने, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। लाइडार है प्लस फ्लैश है, ओके। इन द फ्रंट द मेजर चेंज, ओ माई गॉड, द नॉच, द नॉच इज स्मॉलर 20% ओनली, बट स्टिल हेयर। तो एप्पल यू शुड वर्क ऑन दिस प्लीज। प्लस द लाइटनिंग पोर्ट इज स्टिल हेयर, आई डोंट नो Why Apple? Why? Lightning port अभी Apple के किसी प्रोडक्ट में नहीं है। MacBook में C type चल रहे हैं, और iPad minis में, iPad जितने भी आए हैं सब में C type हैं। I don't know why Apple is putting this lightning port in this iPhone still. Colors के last time एक ब्लू कलर आया था, वो थोड़ा डार्केस्ट टोन में था, ये थोड़ा लाइट टोन में है। आप देख सकते हैं स्काई ब्लू काइंड ऑफ थिंग है, और आप अगर इसे टिल्ट करेंगे तो हल्का सा शेड्स में डिफर करता है। एप्पल ने अपने 12 प्रो सीरीज़ में 4 कलर लाए थे, जो लास्ट कलर था ब्लू वाला वो कुछ ज़्यादा डार्क था, लेकिन दिस कलर इज़ अ लाइट ब्लू, दिस इज सियरा ब्लू। और 4 कलर टोटल आए हैं 13 प्रो में, ग्रेफाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड दिस इज सियरा ब्लू। बाकी सारे बेसिक कलर्स हैं, सबने देख रखे हैं, एक्सपीरियंस कर रखे हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट दिस कलर मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया, परफेक्ट। एप्पल थम्स अप फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, आई मीन दिस इज वेरी ह्यूज, और ये पता लगेगा कितना ज़्यादा फास्ट है इन माई रिव्यूज़। प्लस एप्पल ने ये नहीं बताया कि अपने पिछले जनरेशन से, मतलब आईफोन 12 प्रो से कितना फास्ट है उसकी A14 बायोनिक चिप, एक्चुअली मेरा सारा ऑलमोस्ट सारा काम कर देती थी। मेरे को इतनी इनफ पावर थी कि मैं सोचता था कि मैं कितना क्या करूं, उसकी रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। तो मैं जानना चाहूँगा ये A15 चिप A14 से कितनी ज़्यादा फास्ट है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये मैं आपको बताऊँगा अपने नेक्स्ट रिव्यू में, जो कि आ रहा है आईफोन 12 प्रो के साथ आईफोन 13 प्रो का। सो प्लीज़ बी ट्यून्ड। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले, ढंग से देखिए छुपा के, क्योंकि इसके हर एंगल से शार्प इमेजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पेक्स जो हैं, ओहो मक्खन, ओ भाई क्या बताया, 120 हर्ट्ज़, इतना स्मूथ। भाई स्मूथ तो है। एप्पल ने इस बार 120 हर्ट्ज अपने फ़ोन में दिया है, जो भी XDR डिस्प्ले है, रेटिना XDR डिस्प्ले। और मैं बता दूं, दिस 120 हर्ट्ज इट्स बेटर देन द रेस्ट ऑफ द फोन्स। माय गॉड मैन, इतना स्मूथ, इतने अच्छे फ्रेम रेट्स, इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन स्क्रीन में फील नहीं करी थी। और प्लस द ब्राइटनेस, ओ टू लाउड मैन, वेयर इज माय स्पेक्स।
ओके फॉरगेट इट, बट द ब्राइटनेस इज 1000 निट्स नाउ, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है. आउटडोर्स में भी आपको अच्छी तरीके से व्यू हो सकता है, और मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, इतनी सारी लाइट्स हैं, तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ हाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा. और इसकी डिस्प्ले में बता दूँ कि ओह दर्द हुआ, अपनी किडनी बेच के लिया है ना एप्पल, तो मैं देखा नहीं क्योंकि हम बहुत नए हैं अभी, बट कोई नहीं, इस पर भी लगा लेंगे मरहम. तो ओ भाई तू ठीक है ना भाई, अपना तो चल जाएगा, एक और किडनी है बट एक को खरीदने के पैसे नहीं है यार. हाँ ठीक है. अब ये पॉइंट ये आ जाता है कि ये कितनी देर आपको खुश रख सकता है मूवीज़ दिखा के, गेम्स खिला के, और फोटो आईफोन 12 के कंपैरिजन में, 12 प्रो के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा हैवी है. तो देखना होगा कि कितनी ज़्यादा बैटरी इन्होंने, कितना मसाला बैटरी में डाला है, देखना पड़ेगा कि कितनी देर चल जाती है. एप्पल क्लेम करता है कि 2 से 2.5 घंटे आपका स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, बट आई डाउट दैट, आई बिलीव ओनली ऑन माई रिव्यूज़. तो आपको रिव्यूज़ ये मिल जाएगा जब मैं उसका फुल रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू करूँगा, तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कितना आपको रन टाइम मिल सकता है मूवीज़ देखने में, या कितना आपको रन टाइम मिल सकता है इसमें गेम्स खेलने में. और रन टाइम की बात आई तो रन टाइम इसका चार्जिंग का बहुत ज़्यादा है. एप्पल हमेशा चार्जर एक तो प्रोवाइड नहीं करता, ऊपर से स्लो चार्जिंग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है. यहाँ एंड्रॉयड 120 वॉट पे जा रहा है, बट एप्पल अभी भी लाइटनिंग पोर्ट पे स्टक है और इतनी स्लो चार्जिंग. व्हाई एप्पल, वी वॉन्ट आंसर्स. वाई एप्पल के डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है. अगर आपको सेल्फ पोर्ट्रेट्स लेनी है, सेल्फ शूट करना है आपको, आप अपने कहीं भी फ़ोन को ऐसे रख दीजिए और भाई इज्जत इज्जत रख ले भाई. हाँ तो ऐसे आप थोड़ा मशक्कत करके, मेहनत करके आप कहीं भी रख सकते हैं फ्लैट सर्फेस पे और अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं. तो इसका एक फ़ायदा मेरे को दिखाया रेदर देन मिरर, जिसमें आप अपने 30 दे सकते हैं काफ़ी क्लियर. तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ये कैमरा बम्प 12 प्रो से थोड़ा बड़ा है क्योंकि इनके सेंसर्स में, सारे सेंसर जितने भी 3 सेंसर हैं, टेलीफोटो, वाइड, अल्ट्रा वाइड, तीनों सेंसर्स में अपग्रेड करा गया है. स्टिल ये 12 मेगापिक्सल ही हैं रेदर देन 64 108 मेगापिक्सल. दोज हाइप अप नंबर्स, ये अभी भी 12 मेगापिक्सल पे अटका है, अटका नहीं, रेदर देन एप्पल इज शोइंग ए स्किल्स कि 12 मेगापिक्सल में क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है. अब मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल में इसमें 92% की लो लाइट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हुई है लास्ट जनरेशन से. लास्ट जनरेशन मतलब 12 प्रो से इसका अल्ट्रा वाइड एंगल 92% लो लाइट परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हुआ है. क्वालिटी तो ऑब्वियसली एप्पल की बहुत अच्छी होती है, बट मेरे को देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा अच्छी करी है इन्होंने, क्योंकि 92% इज़ अ बिग नंबर. प्लस एप्पल इज हाइपिंग अबाउट हिज मैक्रो लेंस. यस यू कैन शूट मैक्रो फोटोज हाइपरलैप्सेस. तो अगर कोई कीड़े मकोड़े में दिलचस्पी रखता है तो प्लीज़ आप, प्लीज़ दिस इज़ फॉर यू. और इसका टेलीफोटो लेंस 77mm का है और 3x ऑप्टिकल जूम है. क्वालिटी मेरे को टेस्ट में ही पता लगेगी, बट एप्पल क्लेम करता है कि इसके वाइड में और अल्ट्रा वाइड में लो लाइट थी, बट इसमें अब टेलीफोटो में भी लो लाइट परफॉर्मेंस ऐड करी गई है, नाइट मोड ऐड करा गया है. तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कितना अच्छा नाइट परफॉर्मेंस है या कलर शिफ्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो मेरे को देखना पड़ेगा. बट मेन कैमरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस बार उन्होंने दिए सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी, जैसे आपने सुना होगा OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसमें आगे कैमरे का वो बॉक्स मसाला वगैरह लगा देते हैं जिससे वो स्टेबलाइज रहती है थोड़ी सी वीडियो. इसमें इन्होंने क्या करा है, ऐसा मसाला डाला है जो उसमें सिर्फ इनका जो सेंसर है, एक तो बड़ा करा गया सेंसर है, वो खुद मूव करता है स्टेबलाइज करने के लिए वीडियो. तो इसके वजह से और प्रोसेसिंग की वजह से एप्पल अपनी स्टेबलाइज वीडियो अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर पा रहा है. प्लस द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस कैमरा इज सिनेमा मोड, बट विल गेट बैक टू दैट लेटर, क्योंकि सिनेमा मोड अभी फर्स्ट स्टेज में है. सिनेमा बेसिकली फोकस शिफ्टिंग है, जो आपने देखा होगा नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में जो होती है पोर्ट्रेट वीडियोज़ काफ़ी अभी ट्रेंड में इतनी तो नहीं है क्योंकि अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है. बट एप्पल क्लेम करता है कि वो उसने पोर्ट्रेट वीडियोज़ को एक नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड दिया है, जिसकी वजह से वो सिनेमा लेवल का आउटपुट दे रहे हैं. तो सेंसरशिप जो टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड करी है अपने सिनेमा मोड में, वो एक्चुअली फोटो क्वालिटी लेवल को इस लेवल पे पहुंचा देती है,
एक्चुअली एंड दिस इज नॉट अ जोक, क्योंकि कैमरास के लिए जाना जाता था एप्पल और उन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करी है, सिनेमा मोड. सिनेमा मोड में जो फोकस शिफ्ट हो रहा है वो एक्चुअली DSLR क्वालिटी का है. तो प्लीज़ दोस्तों बी वेयर, DSLR या मिररलेस कैमरा का अंत शायद ये कर सकता है, बट वो रिव्यू में जानेंगे क्या क्वालिटी है उसकी. ओके तो ये हो गया मेरा अनबॉक्स और ये मेरे इनिशियल इंप्रेशंस थे. अब क्या परफॉर्म करता है, कैसी परफॉर्मेंस है A15 की, कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, मेरे को डेली लाइफ में यूज़ करके ही पता लगेगा. तो ऑब्वियसली मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, यस फाइनली. और मैं आपको बताऊँगा, अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ इसके लैग्स हैं, क्योंकि लैग्स आई गेस नहीं होने चाहिए, बट लेट्स सी परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट है और मेरे को 12 प्रो से कितना ज़्यादा इंप्रूव लगता है, फिर सेम ही लगता है, और किस किस को ये अपग्रेड करना चाहिए, ये मैं आपको सब बताऊँगा अपने नेक्स्ट रिव्यूज़ में. तो तब तक के लिए आप प्लीज़, हाँ वो जो आपको हाँ राइट हाँ या लाल कलर का बटन हाँ सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए क्या इसके नए फीचर्स हैं, आप मेरे को सजेस्ट करिए आप कि कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको वीडियो इस फ़ोन के ऊपर चाहिए और आप इस पे कैसी वीडियोस चाहते हैं, आप मेरे को प्लीज़ इसको कमेंट में बता सकते हैं. कंपैरिजन एंड्रॉइड से कंपैरिजन, कौन से फ़ोन से कंपैरिजन आप करना चाहते हैं, या फिर इसके कैमरा स्पेसिफिक वीडियोस आप चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा.